भारत देश में हर वक्त एक मामला उठता रहता है और वो है यहाँ के हिंदू मुसलमान के रिश्तों को लेकर। अक्सर लोग कहा करते हैं कि इन दोनों धर्मों के लोगों में कभी मेल नहीं हो सकता, लेकिन ये गलत है। वैसे तो कई ऐसे किस्से आपको मिल जाएंगे जो आपको इनके मेल के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको एक अलग ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपकी सोच बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश का बिसाड़ा गांव एक समय में पूरे देश में चर्चा में था। यहां एक अफवाह को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा परिवार के मुखिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी ओर उसी गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की गई थी। इसी गांव में तनाव को देखते हुए यहां के हिंदू परिवारों ने अपने पड़ोसी और गांव के 70 मुस्लिम परिवारों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सभी उन्हें सुकून से रहने और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। और अब सभी हिंदू परिवार 70 मुस्लिम परिवारों की हिफाजत करते आ रहे हैं। ये अल्पसंख्यक परिवार अपने हिंदू मित्रों के शुक्रगुजार हैं। आज हमारा देश भले ही असामाजिक तत्वों की कुरीतियों का शिकार हो रहा है, पर इन बुरे क्षणों में एक दूसरे की मदद कर एक सच्चे भाईचारे की मिसाल आज भी बना हुआ है हमारा भारत देश, जहां पर लोग एक दूसरे के दुखों को अपना बना लेते हैं और हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते हुए भाईचारे की अहम भूमिका निभाते हैं।